अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बाल विकास परियोजना कार्यालय सितारगंज में एकत्रित होकर महिलाओं को उनके अधिकारों व प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजना की दी जानकारी। राष्ट्रीय महिला दिवस पर सैकड़ों महिलाओं ने लिया भाग। सितारगंज के मंडी में बाल विकास परियोजना कार्यालय में दर्जनों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने एकत्रित होकर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि आज राष्ट्रीय महिला दिवस पर पहुंची महिलाओं को महिला के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को मिलने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं। लेकिन समय की बहुत कमी है। शुगर मामा मैडम हिंदी कौन बोल रहा है? विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारी सभी कार्यकर्तियाँ उपस्थित हुई हैं। प्रोग्राम के में हम लोग जिन जिस कार्यकर्ता हमारे सारे क्षेत्रों से सबसे अच्छा कार्य करने वाले कार्यकर्ता व सहायता को हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना की जानकारी दी है। इसमें प्रथम बार जो भी महिला गर्भवती होती है को विभाग की तरफ प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। जब महिला 3 माह की गर्भवती होती है उसको कार्य केंद्र पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। पंजीकरण कराने पर जब वो फॉर्म भरती है पहली किस्त के लिए 1,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। उसके बाद 7 माह होने पर जब कम से कम 1% दूसरी किस्त दी जाती है 3,000 रुपये की धनराशि। उसके बाद जब प्रसव होता है प्रसव होने पर बच्चे को 3 माह बाद जब पेंटर का टीका लग जाता है उसको हम टीकाकरण का प्रथम चक्र कहते हैं। उसके पूर्ण होने पर 2,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। इस तरह 3 किस्तों में कुल मिलाकर 5,000 रुपये की धनराशि महिला दिवस पर हम आंगनबाड़ी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। और आज यहीं पर जो है हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर से कविता बरोला मैडम आई है, जिन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में भी जानकारी दी है। क्योंकि बहुत से मामलों में महिलाओं को जानकारी ही नहीं है कि हमारे साथ हिंसा हो रही है और कहाँ कहाँ पर वो क्या क्या हेल्प ले सकती हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त सर हम आज अपनी सबसे अच्छा कार्य करने वाली आंगनबाड़ी और वर्कर और सहायिका को जो है पुरस्कृत भी करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के बारे में भी और जो जितनी विभाग के द्वारा योजनाएँ संचालित हो रही हैं उन सभी योजनाओं की जानकारी हमने आंगनबाड़ियों को दी है। एक प्रकार का जो है दोबारा से इनको जानकारियाँ दी क्योंकि कुछ जियो वगैरह चेंज हो गए हैं नंदा वगैरह के, तब हमने उनको भी बताया है और साथ ही मेरी आंगनबाड़ी बहनें भी इसमें इन्वॉल्व।